हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे शेजवान सॉस। उसके लिए लगभग 100 ग्राम मिर्च लिए। ये लाल मिर्च है, एकदम ऐसा ही रेड कलर लेना है ताकि सॉस में जो अच्छा सा कलर आए। एक कटोरी लहसुन लिया है छीलकर और 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा। सबसे पहले हम लाल मिर्च, हमारी थोड़ी तीखी वाली है, मैं कश्मीरी मिर्च का यूज नहीं कर रही हूँ। इनको बीच में से तोड़ लेंगे और इसके बीज निकाल लेंगे। ऐसा हमें आधी मिर्चों का करना है। आधी मिर्च हम ऐसे काम में ले लेंगे और आधी का बीज निकाल लेंगे। बीज निकाल कर हम मिर्चों को पानी में डाल देंगे। ये बीज आसानी से निकल जाएंगे। अगर हम सारे के बीज नहीं निकालेंगे तो सॉस से जो ज्यादा तीखा हो जाएगा। अगर आपकी मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं है तो आप अगर बीज निकाले भी काम में ले सकते हैं, पर सॉस को बच्चे भी खाते हैं, ये बीज निकालने जरूरी होते हैं। ऐसे ही हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे। मैंने आधी मिर्चों के बीज निकाल लिए, इतने सारे बीज निकल चुके हैं। अब जो ये बाकी की मिर्ची बची है उसको हम ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि शेजवान सॉस में बीज भी होते हैं। और इसको अच्छे से पानी में धो लेंगे और फिर एक कुकर लेंगे। ये मिर्ची को सारी को कुकर में डाल देंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। जब तक हमारी मिर्ची कुकर में सॉफ्ट हो रही है तब तक हम अदरक को काट लेंगे, बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। और लहसुन अदरक को दोनों को एक साथ एक चॉपर में डाल देंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी धीरे धीरे ग्राइंड कर सकते हैं, पर ये चॉपर में अच्छा होता है। ये दाने दाने अलग दिखने चाहिए। लहसुन अदरक का हमने अच्छे से चोब लिया है। ये ऐसा ही चोबना है, एकदम दाने दाने जैसे दिखना चाहिए, तभी जो शेजवान सॉस होता है उसमें अच्छा सा टेस्ट आता है। और उधर हमारी मिर्ची भी कुक हो चुकी है, अभी कुकर की सीटी भी निकल चुकी है। कुकर को खोल लेते हैं। सारी मिर्चियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इनको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारी मिर्ची को हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो इस मिर्ची पानी में हमने मिर्ची को उबाला था उसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये पानी को हम बाद में काम में लेंगे। मिर्च हमारी ठंडी हो चुकी है। अब एक जार लेंगे और सारी मिर्चों को जार में डाल देंगे और एकदम दरदरा सा, ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का दरदरा रखेंगे जैसे शेजवान सॉस में होता है। अब जो हमने पहले पानी बचा कर रखा था वो इसमें 2-3 चम्मच डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। मिर्च का हमने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, बस ऐसा ही चाहिए। इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है और इसमें बीज भी दिखाई दे रहे हैं। अब गैस के ऊपर एक बर्तन रखेंगे। तेल हमें थोड़ा ज्यादा ही डालना है, जैसे अचार में तेल ज्यादा होता है। तेल सेट रखेगा इस सॉस को, 1 से 2 महीने के लिए आराम से यूज में लेंगे। गैस को चालू कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो अदरक और लहसुन का जो बारीक बारीक चॉप कर रखा था उसको डाल देंगे। लहसुन इसमें ज्यादा ही डाल ले, लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। इसको हल्का सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। एकदम सुनहरा नहीं भूनना है, नहीं तो सॉस का जो कलर होता है वो हल्का हो जाएगा। लहसुन और अदरक को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। इसका जो कच्चापन था वो सारा खत्म हो चुका है। अब जो मिर्च का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसको हमने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हमने जो मिक्सी का जार लिया था उसी को धोकर पानी डाल देंगे। जार में बहुत सारी मिर्ची लग जाती है, जो सारी साफ कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक हाथ में इसको पकड़ेंगे और एक हाथ से उस सॉस में डालेंगे। लगातार चलाते हुए डालेंगे, नहीं तो सॉस में गांठे बन जाएगी। लगातार हिलाते रहेंगे।
और इसको अच्छा गाढ़ा होने तक पकाएंगे, और जब तक सारा तेल डाला है जो ऊपर नहीं आ जाता। सॉस हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं और बाद में भी चेक कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच चीनी डालेंगे, दो चम्मच टमाटर का केचप डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक चम्मच इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस डालना बहुत जरूरी होता है, चाइनीज रेसिपी होती है जिसमें सोया सॉस डलता ही है। अब मेरे पास सूखी हरी धनिया की डंडियां होती है जो है, ये इसमें डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट करके बढ़ जाएगा। ये जरूरी डलती है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने आधा कप विनेगर लिया है जो सफेद सिरका होता है, वो इसमें मिक्स कर देंगे, इससे इसमें खटास आएगी और टेस्टी लगेगा खाने में, लंबे समय तक सेफ भी रखेगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शेजवान सॉस हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मैंने कुल इसको 15 मिनट तक पकाया है और ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं महीने दो महीने के लिए, और जब भी हम कोई चाइनीज रेसिपी बनाते हैं उसमें आराम से काम में ले सकते हैं। घर पर कितनी आसानी से तैयार हो जाता है और एकदम शुद्ध भी होता है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें।